हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मधु रसोई में सबके लिए चाय बना रही होती है, तभी उसकी नई भाभी जिसकी कल ही शादी हुई थी वो जल्दी जल्दी तैयार होकर मधु के पास आती है और मधु की भाभी अनामिका बोलती है, अरे ननद जी आप खाना क्यों बना रही हैं? आपको पता है ना आज मेरी पहली रसोई है तो मुझे ही खाना बनाना चाहिए था। फिर आप आज रसोई में क्यों आ गई? जी को पता चलेगा तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगी। भाभी मैं तो बस आपकी मदद के लिए आई थी, सबके लिए चाय बना रही हूँ और वैसे भी खाना तो आपको ही बनाना है ना, तो मैं आपकी इतनी मदद तो कर ही सकती हूँ ना। अच्छा चलो आप सबके साथ बाहर बैठिए, मैं सबके लिए अभी जल्दी से नाश्ता बनाती हूँ। अनामिका फटाफट से सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है। नाश्ता बनाने के बाद अनामिका सबके लिए टेबल पर खाना लगा देती है। खाने की टेबल पर अनामिका की सास सरिता और पति दीपक ननद सब आ जाते हैं। अनामिका खाना सबको देते हुए कहती है, माँ जी आपकी रसोई कितनी छोटी है, मुझे तो बहुत परेशानी हुई खाना बनाने में। भाभी आप भी क्या बोल रही हो, इतनी भी छोटी रसोई थोड़ी ना है हमारी। नहीं नहीं मधु मैं सही कह रही हूँ, रसोई कम और छोटा सा गुसल खाना ज्यादा लगा मुझे। अरे मेरे मायके में तो एक कमरे जितनी रसोई ही थी, एक साथ पांच पांच लोग खड़े होकर आराम से खाना बना सकते हैं वहाँ पर। बहू अभी तुझे आदत नहीं है ना ससुराल में रहने की, लेकिन धीरे धीरे तुझे आदत हो जाएगी और रसोई बड़ी हो या छोटी अब तुझे ही रसोई में जाना है और तुझे ही सबके लिए खाना भी बनाना है। हाँ माँ जी वो तो है, मैं कोई बुराई थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो बस इतना कह रही हूँ ये छोटी है मेरे मायके जैसी बड़ी नहीं है ना। खैर कोई बात नहीं, आपने बोला तो मुझे आदत हो जाएगी धीरे धीरे। वैसे अनामिका तुमने मीठे में खीर बनाई ना, मुझे खीर काफी अच्छी लगती है। खीर के लिए चावल भी तो होने चाहिए थे ना, बिना चावलों के खीर कैसे बनाती मैं। भाभी आपको दिखाया तो था मैंने चावल का डब्बा, भूल गई क्या आप? उसे चावल कहते हो आप लोग? अरे मेरे मायके में बासमती चावल ही खाते थे। माँ जी बुरा मत मानना लेकिन मेरे मायके में तो कभी भी ऐसे चावल नहीं आए, तो बनाना तो दूर की बात है। आज पहला ही दिन है ससुराल में लेकिन बात बात पर अपने मायके को बीच में ला रही है। आज ही सुना दूंगी तो ये भी सोचेगी कि हम लोग कैसे हैं, अपनी बहू की इज्जत नहीं करते हैं। सरिता अपनी बहू की बातों को ऐसे ही ले लेती है और ज्यादा कुछ नहीं बोलती, लेकिन अनामिका की यही आदत थी कि वो हमेशा ही अपने ससुराल में मायके की बातें करती और अपने ससुराल वालों को नीचा दिखाया करती। एक दिन अनामिका और मधु बाजार से सब्जियां लेने जा रहे थे, तभी मधु सरिता से कहती है, भाभी बताओ आपको आपका ससुराल कैसा लगा? मुझे पता है आपको बहुत अच्छा लगा ना आपका अपना ससुराल। क्या अच्छा लगा, वो तो मेरी शादी हो गई इसलिए अच्छा हो या बुरा हो रहना तो यही है और रह भी रही हूँ, लेकिन सच कहूँ मधु मुझे ससुराल को ज्यादा खास नहीं लगा। भाभी आपको क्या खास नहीं लगा, माँ आपसे इतना प्यार करती है, मैं भी आपको बहन मानती हूँ, यहाँ आपको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप ऐसे बोल रही हो। माँ जी मुझे अपनी बहू की तरह ही प्यार करती है और दूसरी तरफ मायके में मेरी भाभी है, मेरी भाभी को तो मेरी माँ बहू नहीं बल्कि बेटी मानती है। वैसे सच तो यही है ससुराल ससुराल ही होता है, मायके जैसी बात कहाँ। भाभी बुरा मत मानना लेकिन आप अपने ससुराल में मायके की बात करती रहोगी तो अच्छा क्या लगेगा, अरे ससुराल तो ससुराल है तभी तो अलग है ना, आप भी ना भाभी हद करती हो। देखा मैं यही कह रही थी बुरा मत मानना, लेकिन मैं अपनी भाभी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती थी जबकि मुझे पता है कि मैं उनसे बड़ी हूँ, फिर भी मैं भी कहाँ अपने ससुराल में मायका ढूंढ रही हूँ। अनामिका की बातों से तो कभी कभी उसके ससुराल वाले ही काफी ज्यादा तंग हो जाते थे क्योंकि अनामिका की जो आदत थी बार बार ससुराल में मायके की बातें करने की ये किसी को भी पसंद नहीं आ रही थी। कई बार तो अनामिका को सब लोग टोक भी देते थे लेकिन अनामिका कहाँ सुधरने वाली थी, वो हमेशा ही ऐसा करती रहती। एक दिन अनामिका अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी तभी उसकी पड़ोसन विमला आती है और कहती है, अरे बहू तू काम कर रही है, अब तो तेरी सास को काम से छुट्टी मिल गई होगी ना, बहू जो आ गई है। वही तो आंटी बताना मत, लेकिन मेरे मायके में तो चार चार नौकर हैं, काम करना ही नहीं पड़ता, लेकिन अब ऐसे घर में शादी हो गई है तो सीखना तो पड़ेगा।
ऊपर से सास और ननद भी मदद के लिए हाथ नहीं बटाती हैं। लेकिन बहू, हाथ भी क्या बटाते, वो तेरा घर है, अब तुझे ही संभालना है ना। बुरा मत मानना आंटी, लेकिन मेरे मायके में ऐसा नहीं होता। लेकिन ससुराल की तो पूछो ही मत। क्यों बहू, ससुराल में क्या हो गया, सब ठीक ही तो है। और सरिता तो मेरी काफी अच्छी सहेली है, मैं तो जानती हूँ कि वो तुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। क्यों, सही कह रही हूँ ना? कहाँ आंटी जी, बहू बनकर ही आई थी, लेकिन इन लोगों ने नौकरानी बना दिया है। अब बताओ, मेरे मायके में इतने नौकर थे कि मुझे काम करने की आदत कहाँ है। लेकिन इन लोगों ने मेरे बारे में सोच कर नौकर तक नहीं रखा। तो क्या हुआ, तीन लोगों के लिए ही तो काम करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, बड़ी बात कहाँ है, लेकिन मैं तो बस एक बात बता रही हूँ कि ससुराल में नौकर नहीं है। अनामिका ये तक नहीं सोचती कि वो बाहर वालों के आगे भी अपने ससुराल वालों की बेइज्जती कर रही है। लोगों को तो अनामिका की बातों का मजा लेने की आदत थी, और उसके ही ससुराल वालों के बारे में चार बातें वो करती और चले जाते। ऐसे ही दिन निकल रहे थे, और हर छोटी छोटी बातों में अनामिका अपने ससुराल में मायके की ही बातें करने लगती थी। एक दिन जब मधु की शादी की शॉपिंग चल रही थी और सब लोग सामान लेकर घर आते हैं, तो अनामिका सारा सामान देखती है और मुंह बनाते हुए अपने पति, ननद और सास से कहती है, माँ जी, आप अपनी ही बेटी की शादी की शॉपिंग कर रही हो ना? क्यों बहू, तुझे क्या कोई शक हो रहा है? मैं बाहर वालों के लिए थोड़ी ना शॉपिंग करूँगी। माँ जी, मेरे मायके वालों ने तो आगे बढ़कर मेरे लिए एक से एक अच्छी और क्वालिटी वाली चीजें दी थी, लेकिन मधु की शादी की शॉपिंग देखकर तो लग ही नहीं रहा है जैसे शादी की शॉपिंग हो रही हो। बहू, तेरा ना बहुत हो रहा है, तू हर बात में अपने मायके वालों को ले आती है। अरे, तेरे मायके वालों ने किया होगा वो जो कर सकते हैं, हम भी तो वही कर रहे हैं ना जो हम कर सकते हैं अपने बेटी के लिए, इसमें तेरा बोलना जरूरी था क्या? बुरा मत मानना, मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मधु मेरी भी तो ननद है ना, मैंने कुछ बोल भी दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको पता नहीं क्या परेशानी है मेरे मायके वालों से, जब देखो बोलती ही रहती हो। तूने जितना अपने मायके का गुणगान किया है ना, मैं तो क्या, किसी को भी तेरे मायके से परेशानी हो ही जाए। सरिता और अनामिका में थोड़ी बहस हो जाती है और अनामिका रोते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी अनामिका का सीढ़ियों से पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। अनामिका के सर में चोट आ जाती है। अनामिका को पट्टी करवाते हैं। जब अनामिका को होश आता है तो वो अपने ससुराल वालों से कहती है, मेरे मायके वालों को बताया कि मुझे चोट लग गई है। भाभी, बुरा मत मानना, लेकिन आपके मायके वालों को बताने के लिए ही हम उन्हें फोन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पहले हमारा फोन उठाया ही नहीं, और जब बाद में उठाया तो उन्हें ये हमने बताया। वो लोग आ रहे हैं ना मुझसे मिलने यहाँ? बुरा मत मानना बहू, लेकिन वो लोग पिकनिक पर गए हैं और ये बोला है कि जब वो फ्री हो जाएंगे तो आ जाएंगे तेरा हाल चाल लेने। क्या, उन्होंने ऐसा कहा? बुरा मत मानना अनामिका, लेकिन ना तुम्हारे मायके वालों को हम कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन अब तुम्हारा परिवार ये है, तुम्हारा ससुराल, और ना तुम्हें ना अपना अपना ध्यान ना मायके से हटा देना चाहिए। और मायका बहुत अच्छा होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन अभी तुम्हारे लिए तुम्हारा ससुराल ही सब कुछ है। आप लोग सही कह रहे हैं, मेरा वो मायका है और ये मेरा ससुराल। मैं ससुराल में मायके की बात करूंगी तो मेरे ससुराल में भी तनाव बनेगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अनामिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी भी मांगती है, जिसके बाद अनामिका अपनी आदत को सुधारती है और ससुराल में अपने रिश्तों पर अच्छे से ध्यान देने लगती है। माला अपने छोटे से घर में चूल्हे पर खाना बना रही थी, तभी दरवाजे से उसकी शादीशुदा बेटी कावेरी अंदर आती है, जिसे देखकर माला बोलती है, अरे कावेरी बेटी, तू अचानक से ससुराल से आ गई, कोई खबर भी नहीं थी तूने, मेरे को बता दी थी मैं बस अड्डे तक लेने आ जाती ना। माँ, सब खत्म हो गया, जेठ जी ने सब कुछ अपने नाम करवा लिया और इनको घर से निकल जाने को कहा। अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं दामाद जी के भाई, पिता के घर पर तो दोनों बेटों का हक होता है ना, और तेरी सास ने भी कुछ नहीं कहा। वो लोग तो माँ जी को भी निकाल रहे थे, लेकिन मैंने और अनुराग जी ने बहुत मिन्नतें करी कि हम चले जाएंगे, माँ जी को रख लो, इस उम्र में वो कहाँ जाएंगी, तो उन्होंने माँ जी को नहीं निकाला। अब अनुराग ने कहा कि वो तो एक अपने दोस्त के घर रह लेंगे जब तक कोई इंतजाम नहीं होता, और मैं यहाँ आ जाऊँ। बेटी, ये तो दामाद जी ने ठीक किया, अब तो उनके दोस्तों के घर रहती तो अच्छा थोड़ी ना लगता। बाकी मुझे दामाद जी पे पूरा भरोसा है,
वो जल्दी कोई ना कोई इंतजाम कर ही लेंगे। माँ, हम गरीबों के साथ ऐसा ही क्यों होता है? मेरे जेठ जेठानी जी ऐसे निकलेंगे, मैंने सोचा भी नहीं था। बस भगवान जल्दी सब ठीक करे। कावेरी अपने माँ के गले लगकर बहुत रोती है, लेकिन उसकी गरीब माँ अपने ससुराल से मायके आई बेटी को संभालते हुए सहारा देती है। तो वही कावेरी के ससुराल में उसकी सास कलावती, जेठ साजन और जेठानी माया खुश होते हुए बोलते हैं, वाह माँ जी, क्या प्लान बनाया है आपने। उस गरीब से छुटकारा भी मिल गया और कोई हल्ला भी नहीं हुआ। अरे मुझे तो वैसे भी गरीबों से एलर्जी है, तो वो दान दहेज के लिए कर लिया था। अब जब पता है हमें उनसे ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता, तो वो की वापसी करवा दी। हाँ माँ, बड़ी चतुराई से आपने गरीब बहू की मायके वापसी करवा दी। मुझे भूल गए इस कहानी के मेन लीड को। अनुराग की आवाज़ सुनकर सभी दरवाजे की तरफ देखते हैं, जहाँ अनुराग अपनी आंखों पर चश्मा लगाए अपने बैग के साथ खड़ा होता है। उसको देख कलावती बोलती है, अरे आ गया मेरे बेटा, एक दिन के लिए घर से निकलकर कैसा लगा? और तेरी उस गरीब बीबी को तो संभाल लिया ना तूने। अरे माँ पूछो मत, मैंने कैसे उसे मनाया है मायके जाने के लिए। पहले तो जा नहीं रही थी, कहती थी आप जहाँ जाओगे वहीं मैं जाऊंगी, जैसे रखोगे रह लूंगी, मैं आपकी अर्धांगनी हूँ। ये गरीब घर की लड़कियाँ ना इमोशनल बहुत होती है, इनके लिए ना मेरा पति मेरा देवता टाइप होता है। और उसी देवता ने उसे मंदिर से निकाल फेंका, वो भी इतनी चालाकी से। सभी लोग बातें करते करते जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो वहीं दूसरी ओर कावेरी के आगे खाने की थाली रखते हुए उसकी माँ माला बोलती है, बेटी ले कुछ खा ले, जब से आई है रोई जा रही है। माँ ना जाने उन्होंने खाया होगा कि नहीं, पता नहीं कहाँ रह गए होंगे, कोई दोस्त कितने दिन रख लेगा। मैंने तो कहा था यहाँ आ जाओ, लेकिन वो नहीं माने। मेरे पास तो फोन भी नहीं है कि उनसे फोन करके पूछूं। बेटी तू खाना खा ले, कल हम गांव में ना पीसीओ पे जाकर दामाद जी के फोन पर कॉल करके बात कर लेंगे हम। बड़ा ही समझा बुझाकर माला कावेरी को खाना खिलाती है। अगले दिन सुबह माला और कावेरी गांव के पीसीओ पर जाती हैं, जहां से कावेरी अनुराग को फोन मिलाती है तो फोन नहीं मिलता। फिर वो अपने ससुराल का लैंडलाइन नंबर मिलाती है। ससुराल में बैठे सभी लोग एक साथ नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी फोन की घंटी बजती है, जिसको सुन कलावती बोलती है, सुबह सुबह ना जाने कौन फोन खड़का देता है। माँ जी कहीं आपकी गरीब बहू का ना हो। हाँ हो सकता है, रुक मैं देखती हूँ। कलावती फोन उठाने जाती है और पिक करके बोलती है, हेलो कौन? माँ जी मैं आपकी बहू कावेरी, कैसी हैं आप? और अनुराग जी की कोई खबर मिली आपको? मैं उनका फोन मिला रही हूँ तो लग नहीं रहा। अरे कावेरी बहू, मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ? जिसकी बहू और बेटे को दूसरे बेटे ने घर से निकाल दिया हो, तो वो मैं खुश कैसे रह सकती है? और बेटा रही बात अनुराग की, तो वो काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया है। उसके दोस्त का फोन आया था कि उसका फोन टूट गया है, इसलिए जब वो नया फोन ले लेगा थोड़े पैसे कमा के तो तुझे भी फोन कर देगा। अब खुद का घर लेने के लिए काम तो करना पड़ेगा ना बहू। हाँ माँ जी ये तो है। अच्छा आप अपना ध्यान रखना, खाना समय पे खाना, अगर जेठानी जी खाना ना दे तो उनके पीछे से चुपचाप खा लेना। ठीक है बहू, तो अपना ख्याल रखियो। अच्छा रखती हूँ, माया आ रही है। इतना बोलकर कलावती फोन काट देती है और उससे की सारी बातें सबको बताती है, जिसको सुनकर सब ठहाके लगाते हैं। अब दिन हफ्तों में गुजरते हैं और लगभग ससुराल और अपने पति से अलग हुए 2 हफ्ते बाद कावेरी को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ये बात वो अपनी माँ को बताती है। माँ, माँ मैं माँ बनने वाली हूँ, अनुराग जी पापा बनने वाले हैं, कितनी खुशी की बात है ना। हाँ बेटी, अब देखना जैसे ही तेरे ससुराल वालों को पता चलेगा ना, वो भागते हुए तेरे पास आ जाएंगे, दामाद जी भी सब छोड़ छाड़ के तेरे पास आ जाएंगे। हाँ माँ। कावेरी अपने ससुराल वालों को फोन मिलाती है, लेकिन किसी का भी नंबर नहीं लगता। प्रेगनेंसी को 3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन अब भी उसके ससुराल में ना तो किसी से बात होती है, ना ही अनुराग की कोई खबर आती है। माला के मोहल्ले वाले भी अब तो उसकी ब्याही हुई बेटी को मायके में रखने के ताने मारने लगे थे, जिनको सुनकर एक सुबह कावेरी बोलती है, बस अब बहुत हुआ माँ, अब मैं चुपचाप नहीं बैठ सकती। आखिर इतने महीने से ना अनुराग की कोई खबर, ना माँ जी ने खुद से कॉल किया, मजाक है क्या मेरी जिंदगी? अरे 3 महीने से उनको रहने के लिए घर नहीं मिला, अब तो मुझे जरूर दाल में कुछ काला लग रहा है। हाँ बेटी मुझे भी लग रहा है, एक काम करते हैं तेरे ससुराल चलते हैं, वहाँ जाकर कोई ना कोई खबर तो मिल ही जाएगी। माला और कावेरी कावेरी के ससुराल के लिए निकलते हैं, और कुछ देर में जब कावेरी वहाँ पहुँचती है तो देखती है घर पर ताला लगा है,
ये देखकर कावेरी को और भी ज्यादा शक होने लगता है। आसपास वालों से पूछने पर पता चलता है कि वो लोग घर बेचकर चले गए। ये सुनकर कावेरी बिना कुछ सोचे समझे पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ सारी घटना वहाँ की इंचार्ज कविता लोखंडे को बताती है, जिस पर कविता बोलती है, एकदम से बड़े भाई ने सब कुछ अपने नाम करके तुझे और तेरे पति को घर से निकाल दिया। इस बात पर तुझे शक नहीं हुआ? अरे इतने शरीफ क्यों होते हो तुम लोग? मैडम, इस गरीब बेटी की शादी बहुत अच्छे घर में हुई थी, इस बात से हम दोनों माँ बेटी बहुत खुश थे। ऊपर से उन्होंने कभी दहेज के लिए हमसे कहा भी नहीं। जो उन्होंने शादी के वक्त मांगा हमने वही दे दिया, वो भी किसी तरह ले दे के। यही तो गलती है तुम लोगों की, कुछ भी नहीं देना चाहिए। अब तुम बैठो, मैं पता लगाती हूँ कि आखिर ये पूरा परिवार कहाँ रफू चक्कर हो गया। हवलदार, इनको कुछ खाने पीने को दो। कावेरी की हालत देखकर कविता उसको वहीं बैठाकर सारी छानबीन करवाती है, जहां उसको अनुराग के घर का नया एड्रेस मिलता है, जिसके बाद वो माला और कावेरी संग जीप में उस जगह जाती है। तो वहां सब कुछ बहुत सजा धजा होता है। सबके सब अंदर जाते हैं तो देखते हैं अनुराग किसी और लड़की के साथ फेरे ले रहा है। ये देखकर कावेरी चिल्ला के बोलती है, अनुराग। कावेरी को वहां देखकर पूरा परिवार हैरान हो जाता है, जिसके बाद कावेरी मंडप में जाकर अनुराग को एक थप्पड़ मारते हुए बोलती है, शर्म आती है तुम्हें? अपनी पत्नी को उसके मायके भेज यहाँ दूसरी शादी रचा रहे हो? इस गरीब की मायके की वापसी इसलिए कराई थी ताकि ये सब कर सको? अरे मैं पागलों की तरह तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी, लेकिन तुम, छी, ये कहाँ से आ गई माँ जी, सारे प्लान पर पानी फेर दिया। मैंने बोला था इससे फोन पे बीच बीच में बातें करते रही हो, लेकिन मेरी तो किसी को सुननी नहीं होती है, फोन नंबर बदल दिए सबने। माया और कलावती की बातें उनके पीछे खड़ी इंस्पेक्टर कविता सुन लेती है, जो उनसे बोलती है, तुम लोगों की प्लानिंग तो मैं जेल में करवाऊंगी। एक गरीब लड़की को धोखे से वापस मायके भेजकर उसके पति की दूसरी शादी करवा रहे हो, वो भी पैसों के लालच पे। अरे तुम जैसे लालची लोग गरीब घर की लड़कियों को बहू बना कर लाएंगे, फिर जब उनसे कुछ हासिल होता नहीं दिखेगा तो उनको अपने रास्ते से हटाएंगे। नहीं मैडम, हमें माफ कर दो। बिल्कुल नहीं मैडम, इन सबको जेल की चक्की पिसवाना, मेरे और मेरे होने वाले बच्चे के गुनाहगार हैं ये सब। कावेरी की ये बात सुनकर अनुराग का ध्यान उसके पेट की तरफ जाता है, जिसके बाद उसको अपनी गलती का एहसास होता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस पूरे परिवार को धोखाधड़ी और एक पत्नी होते हुए दूसरी शादी करने के जुर्म में अंदर कर देती है। और अब कावेरी अपने ससुराल में तो थी, लेकिन बिना ससुराल वालों के। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आप कावेरी की जगह होते तो आप क्या करते, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।